दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके प्रयोग करके आप कई बीमारियों से बच सकते हो। तीन चीजों का मिश्रण आपको बचाएगा कई बीमारियों से। आपने सिर्फ इस मिश्रण का एक चम्मच प्रयोग में लाना है, फिर देखिए इसका फर्क। इसके साथ साथ अगर किसी को समय से पहले ही बुढ़ापा आ गया हो, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हो, बाल सफेद हो रहे हो, समय से पहले बाल झड़ रहे हो, सुस्ती कमजोरी आ गई हो, 20-22 साल की उम्र में ही 30-35 साल के दिख रहे हो, तो उनके लिए नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। आइए जानते हैं आपने कौन से तीन चीजों का मिश्रण लेना है जो आपकी कई बीमारियों का इलाज कर देगा। और इसके लिए जो सामान चाहिए वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हमें चाहिए होगा 250 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों स्वाद में कड़वा होता है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम व आयरन से भरा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस व लोहा भी प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरी चीज है वो है दोस्तों 100 ग्राम अजवाइन। अजवाइन में कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस व कैरेटीन नामक तत्व पाए जाते हैं, जिससे बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों काली जीरी। आपको 50 ग्राम काली जीरी लेना है। काली जीरी आकार में छोटी और स्वाद में तीखी और कड़वी होती है। ये बहुत ही पौष्टिक व गर्म तासीर की होती है। ये काले रंग की होती है और जीरे जैसी होती है, पर जीरे से थोड़ी मोटी होती है। कई लोग कलौंजी को काली जीरी समझ बैठते हैं, लेकिन काली जीरी अलग होती है। आपको किसी भी पंसारी दुकान या फिर आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर इन तीनों चीज़ों को एक कढ़ाई में डालकर हल्का सेक लेना है। आपको इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा नहीं सेकना है। सेकने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा कर लीजिए और मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीसकर पाउडर बना लीजिए। और अब आपकी औषधि तैयार है। आप इस पाउडर को किसी कांच के बर्तन या फिर डब्बे में डालकर रख लीजिए। इन तीनों औषधियों को त्रियोग भी कहा जाता है। आपने इन तीनों औषधियों का सही अनुपात लेना है। ये तीनों चीजें बहुत ही आसानी से किसी भी पंसारी दुकान पर मिल जाएगी। अब हम आपको इसके सेवन की विधि बताते हैं। आपने इस मिश्रण को रात को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, यानी जब आप रात को बिस्तर पर सोने जाएं, उस समय इसका एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। जी हाँ, आपको गर्म पानी के साथ इसका एक चम्मच लेना है। आपको इसके साथ गुनगुना पानी ही पीना है और इस मिश्रण को खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। इस चूर्ण को 10 साल से छोटे बच्चों को ना दें। 10 साल से 16 साल के बच्चों को आधी चम्मच दे सकते हैं, बाकी सभी लोग एक चम्मच ले सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आपको शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, आपको इसका सेवन लगातार 3 महीने तक करना है और आपको इसे बीच में एक दिन भी गैप नहीं करना है, क्योंकि इस मिश्रण का असर 3 महीने बाद ही दिखाई देता है। आपको इस चूर्ण के प्रयोग करते समय थोड़ा धैर्य रखना है। लगातार 3 महीने तक सेवन कीजिए, फिर इसके फायदे देखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या फायदे मिलते हैं। इस चूर्ण को हर रोज लेने से शरीर के कोने कोने में जमी गंदगी और विषाक्त पदार्थ मल और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है। इस मिश्रण के सेवन से मोटापा भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके सेवन से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है, जिससे वजन कम हो जाता है। अगर किसी के शरीर पर एलोपैथिक दवाइयों का ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया हो, तो भी इस मिश्रण के सेवन से बॉडी पर दवाइयों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मिश्रण के सेवन से शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है और शरीर में खून की सफाई करके उसे शुद्ध बनाती है। अगर हमारे शरीर में सर्दी जुकाम की वजह से छाती में कफ जम गया हो, तो वो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को कब्ज की समस्या हो, रात को इस मिश्रण को लेने से पेट साफ हो जाता है। अगर किसी को पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दूर हो जाती है। इसके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं। इस मिश्रण के सेवन से हमारे हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हमें हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इससे हार्ट में रक्त का संचार सही रूप से होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले भी इसका सेवन करें। इस मिश्रण के सेवन से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है और हमें जोड़ों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हाथ पैर बदन में दर्द रहता हो तो भी इस मिश्रण का सेवन करें। इस मिश्रण के सेवन से हमारे दिमाग के सेल्स सही ढंग से कार्य करते हैं और ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ा देती है। इसके सेवन से आंखों की समस्या दूर हो जाती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर किसी को कानों की समस्या हो या फिर बहरेपन की समस्या हो, तो भी वो दूर हो जाती है। इसके सेवन से दांतों की समस्या भी दूर हो जाती है और दांतों के एनामेल परत को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इस मिश्रण के सेवन से अगर किसी को स्किन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्किन का सूख जाना या फिर चेहरे पर झुर्रियां आ जाना, दाग धब्बे आ जाना, मुहासे आ जाना,
ये सभी समस्याएं दूर होती हैं और इससे त्वचा का रंग भी निखर जाता है और रंग साफ हो जाता है, चेहरे की चमक बढ़ती है। इस मिश्रण के सेवन से पुरुषों के रोग जैसे कि पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी या फिर पार्टनर को संतुष्ट करने में ताकत की कमी महसूस कर रहे हों तो वो भी समस्या दूर हो जाता है। व्यक्ति का तेज भी इसी से बढ़ता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और इससे व्यक्ति की उम्र भी बढ़ जाती है। यानी कि इसका सेवन लगातार करोगे तो लंबे समय तक जवान दिखोगे। कई बार स्त्रियों का शरीर शादी के बाद बेडोल हो जाता है, प्रॉपर शेप में नहीं रहता और वे कई बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाती हैं। इसके लगातार सेवन से ये सब समस्याएं खत्म हो जाती है, शरीर प्रॉपर शेप में आ जाता है। इस मिश्रण के सेवन से बालों की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, इससे बालों में रूसी, गंजापन व बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हमारे बालों की ग्रोथ भी सही ढंग से होती है। अगर किसी को डायबिटीज की समस्या हो, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया हो तो इस मिश्रण के सेवन से ये समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, देखा कैसे इस मिश्रण का एक चम्मच हमें कई बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। आप भी अपनी जिंदगी निरोग, आनंदमय और चिंता रहित गुजारना चाहते हो तो इस मिश्रण को अपनी जिंदगी की दिनचर्या में शामिल करें और अपनी जिंदगी स्वस्थमय जिए। लेकिन इस मिश्रण का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो वो भी इस मिश्रण के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें या फिर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें। इस मिश्रण के सेवन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें। गुटखा, धूम्रपान और शराब बंद कर दीजिए, नहीं तो ये दवा असर नहीं करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने ये दवा रात को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद लेनी है और इसके सेवन के बाद कुछ भी नहीं खाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके प्रयोग करके आप कई बीमारियों से बच सकते हो। 3 चीजों का मिश्रण आपको बचाएगा कई बीमारियों से। आपने सिर्फ इस मिश्रण का 1 चम्मच प्रयोग में लाना है, फिर देखिए इसका फर्क। इसके साथ साथ अगर किसी को समय से पहले ही बुढ़ापा आ गया हो, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हो, बाल सफेद हो रहे हो, समय से पहले बाल झड़ रहे हो, सुस्ती कमजोरी आ गई हो, 20-22 साल की उम्र में ही 30-35 साल के दिख रहे हो, तो उनके लिए नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। आइए जानते हैं आपने कौन से 3 चीजों का मिश्रण लेना है जो आपकी कई बीमारियों का इलाज कर देगा। और इसके लिए जो सामान चाहिए वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हमें चाहिए होगा 250 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों स्वाद में कड़वा होता है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम व आयरन से भरा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस व लोहा भी प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरी चीज है, वो है दोस्तों 100 ग्राम अजवाइन। अजवाइन में कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस व कैरेटीन नामक तत्व पाए जाते हैं जिससे बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों काली जीरी। आपको 50 ग्राम काली जीरी लेना है। काली जीरी आकार में छोटी और स्वाद में तीखी और कड़वी होती है। ये बहुत ही पौष्टिक व गर्म तासीर की होती है। ये काले रंग की होती है और जीरे जैसी होती है, पर जीरे से थोड़ी मोटी होती है। कई लोग कलौंजी को काली जीरी समझ बैठते हैं, लेकिन काली जीरी अलग होती है। आपको किसी भी पंसारी दुकान या फिर आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। अब आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से साफ कर लेना है, फिर इन तीनों चीजों को एक कढ़ाई में डालकर हल्का सेक लेना है। आपको इन तीनों चीजों को ज्यादा नहीं सेकना है। सेकने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा कर लीजिए और मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीसकर पाउडर बना लीजिए और अब आपकी औषधि तैयार है। आप इस पाउडर को किसी कांच के बर्तन या फिर डब्बे में डालकर रख लीजिए। इन तीनों औषधियों को त्रियोग भी कहा जाता है। आपने इन तीनों औषधियों का सही अनुपात लेना है। ये तीनों चीजें बहुत ही आसानी से किसी भी पंसारी दुकान पर मिल जाएगी। अब हम आपको इसके सेवन की विधि बताते हैं। आपने इस मिश्रण को रात को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, यानी जब आप रात को बिस्तर पर सोने जाएं, उस समय इसका 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। जी हाँ, आपको गर्म पानी के साथ इसका 1 चम्मच लेना है। आपको इसके साथ गुनगुना पानी ही पीना है और इस मिश्रण को खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। इस चूर्ण को 10 साल से छोटे बच्चों को ना दें। 10 साल से 16 साल के बच्चों को आधी चम्मच दे सकते हैं, बाकी सभी लोग 1 चम्मच ले सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आपको शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, आपको इसका सेवन लगातार 3 महीने तक करना है और आपको इसे बीच में 1 दिन भी गैप नहीं करना है, क्योंकि इस मिश्रण का असर 3 महीने बाद ही दिखाई देता है।
आपको इस चूर्ण के प्रयोग करते समय थोड़ा धैर्य रखना है। लगातार 3 महीने तक सेवन कीजिए, फिर इसके फायदे देखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या फायदे मिलते हैं। इस चूर्ण को हर रोज लेने से शरीर के कोने कोने में जमी गंदगी और विषाक्त पदार्थ मल और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है। इस मिश्रण के सेवन से मोटापा भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके सेवन से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है, जिससे वजन कम हो जाता है। अगर किसी के शरीर पर एलोपैथिक दवाइयों का ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया हो, तो भी इस मिश्रण के सेवन से बॉडी पर दवाइयों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।